क्वेश्चन में कह रहा है कि खिलाड़ी ने क्रिकेट बॉल को थ्रो किया है एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे? 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल, ये हमें बताना है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और ये कैसे आता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो वाई डायरेक्शन में, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay एच मैक्स, ऐसा ही ना। और जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो ये आपने इस तरह से किसी एंगल थीटा पे अगर हमने प्रोजेक्ट किया इसे, तो एक कंपोनेंट इसकी वर्टिकल वाली होती है यू वाई, जो कि इसे एमयूजी कराएगी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है यू एक्स, वो इसे मोशन ना स्ट्रेट लाइन कराएगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? प्रोजेक्टाइल, ठीक ना। मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है प्रोजेक्टाइल, ठीक ना। अब मैक्स एट टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एट मैक्स, वहां पे वी वाई वाली वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, ठीक ना। यहां रखो 0, यहां क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो जी है ना, और एच मैक्स, ठीक ना। हमेशा एच मैक्स के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, ठीक ना। ये हो गया। अब ऐसा नहीं टावर वाले पे लगा देना कि वहां पे भी यही आएगा, तो टावर वाले में एच मैक्स प्लस हाइट ऑफ द टावर ऐड करना पड़ जाता है टावर पे, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो टावर से ऊपर से फेंक दिया हमने, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितने से फेंका उसने? 20 के स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 30, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g को कितना मान ले? जी दे रखा है ना, 10 ही मान है। चलो ठीक, ये कितना हो जाएगा? 400। मैं तो कह रहा हूँ 20 से 20 हटा देते हैं, तो ये कितना हो गया? 20, और इसकी वैल्यू 1/4, 4 से काट दो कितना आ गया? 5 मीटर।